कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी के खिलाफ ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। रात दिन सड़कों पर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। अब इस गुहार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अदालत भी एक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट आज ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सुनवाई करेगा। सुप्रीम अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और इस जघन्य वारदात की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। कोई न कोई ऐसा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का, इससे एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, एक मिसाल बनना चाहिए कि जिससे कि ये लगना चाहिए कि ऐसी घिनौनी अपराध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, जिसके बाद जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। ये जो वेस्ट बंगाल की सरकार है या केंद्र सरकार है या तमाम सरकारें जो है, ये क्यों नाकाम हो जाती है। 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देश में उबाल है। देखिए, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है और आज राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी ये आ रही है कि सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वो घटना की पूरी रिपोर्ट उनको सौंप सकते हैं। कोलकाता के निर्भया कांड पर आज दिल्ली में ममता सरकार के रवैये और अब तक हुए एक्शन का लेखा जोखा पेश किया जाएगा, जिसके लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज इस केस को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुबह 10 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिलने का प्लान है। हालांकि इन मुलाकातों से पहले ही गवर्नर ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई खुलासे किए। सिक्योरिटी अच्छा नहीं, लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता, कभी कभी इधर उधर गुंडा राज है। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कई सवाल किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। इस तरह के संगीन जघन्य अपराध में राजनीति का के लिए सुराख मत बनाइए, यही कहूंगा। बंगाल ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन चाहता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी सीबीआई को शक है और 45 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ सीबीआई ने की है। 125 से ज्यादा सवाल पूछे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे सवालों का जवाब या तो वो नहीं दे रहा है और जिन सवालों के जवाब दे रहा है उनमें भी विरोधाभास है। लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जांच एजेंसी ने रडार पर ले लिया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पूर्व प्रिंसिपल को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 4थे दिन भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। 4थे दिन 12 घंटे की पूछताछ के बाद संदीप घोष को छोड़ दिया गया। पिछले 4 दिनों से सीबीआई ने संदीप घोष से 125 से ज्यादा सवाल पूछे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि संदीप कई सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, जबकि सीबीआई को शक है कि संदीप ने रेप और हत्या के बाद अपने मोबाइल की कॉल डिटेल्स का डेटा डिलीट किया है। इसके अलावा कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पूर्व प्रिंसिपल से मिलने बाकी हैं, जैसे कि हत्या को आत्महत्या में बताने की जल्दबाजी क्यों थी, वारदात की सूचना पुलिस को देरी से क्यों दी गई, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, क्राइम सीन पर रिनोवेशन किसके कहने पर करवाया, क्या किसी ने इस्तीफा देने का दबाव डाला। इस बीच सीबीआई टीम ने पीड़ित परिवार से भी 6 घंटे पूछताछ की और सबूत जुटाने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का चप्पा चप्पा छान मारा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।